भाजपाइयों ने किया चक्काजाम। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या किए जाने तथा प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा कांग्रेस सरकार की असफलता के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश व्यापी आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी कोमा खान मंडल के द्वारा नेशनल हाईवे 353 पर चक्का जाम करते हुए राज्य के कांग्रेस सरकार के विरोध में चक्का जाम नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया एवं दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करते हुए उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं यदि उन पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है तो निकट भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी हम पहुंचे हैं नेशनल हाईवे 353 पर, जहां प्रदेश में लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में प्रदेश व्यापी चक्का जाम का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रखा गया है। उसी कड़ी में भी आज कोमा खान मंडल के द्वारा नेशनल हाईवे 353 को जाम किया गया है। आइए जानते हैं पदाधिकारियों से इनके बारे में किस लिए है, क्या है अभी जो यहाँ चक्का जाम में किए हैं, क्या मांगे हैं सरकार से आप लोगों की? सर, ये जो बस्तर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को चीन चीन करके जो मारे जा रहे हैं और ये कांग्रेस के सह पर आज एक सप्ताह में हमारे 3 कार्यकर्ता का हत्या कर दी गई है, इसके विरोध में हमारे 78 विधानसभा में सभी मंडल स्तर में चक्का जाम किया जा रहा है। आगे सरकार से इसके बारे में आप लोगों की क्या मांग है? यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति है उसके बारे में? प्रदेश नेतृत्व वहाँ जैसे ही हमको निर्देश मिलेगा उस अनुरूप हम काम करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और चक्का जाम किया गया है। और मैं कैमरामैन को बोलूँगा, आगे दिखाएंगे कितनी गाड़ियाँ भी यहाँ पर बाधित हुई हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर एक वृहद समस्या का भी रूप ले चुका है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि यदि भूपेश सरकार इस पर या कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ की इस पर कुछ कार्रवाई नहीं करती है तो हम आगे और भी उग्र आंदोलन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है। जी, कैमरामैन टेक राम पटेल के साथ आशीष गुप्ता, छत्तीसगढ़ विजन टीवी। महासमुंद से आशीष गुप्ता, सीजी विजन टीवी।